लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। काउंसिलिंग के दौरान सामने आया बड़ा गड़बड़ झाला सागर। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय में वर्ष 2018 से 19 में प्रवेश को लेकर हुए एंट्रेंस एग्जाम में स्क्रूटनी कमेटी की एक बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। इसमें कमेटी ने बगैर जांच किए ही दो छात्राओं को परीक्षा के लिए पात्र मानना है। इतना ही नहीं, दोनों छात्राओं ने एंट्रेंस एग्जाम दिया और मंगलवार को हुई काउंसिलिंग में शामिल होने भी पहुंच गईं। लेकिन जब वे संबंधित विभाग में पहुंची तो वहां पता चला कि वे उस विषय में प्रवेश की पात्रता ही नहीं रखती हैं। ये है मामला। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस के लिए दो छात्राओं ने 12वीं बेस पर आवेदन दिया था, जबकि नियम अनुसार इसमें प्रवेश के लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। हैरानी की बात है कि जब छात्राओं ने ऑनलाइन फॉर्म भरे तब उनके फॉर्म रिजेक्ट नहीं किए गए। फॉर्म रिजेक्ट न होने से उन्हें परीक्षा देने का मौका भी मिल गया। छात्राओं ने बताया कि फॉर्म में पात्रता संबंधी कोई जानकारी नहीं थी। इनमें से एंट्रेंस एग्जाम में एक के 42 नंबर तो दूसरी के 58 नंबर आए हैं, जबकि बी लिव में कट ऑफ लिस्ट 40 नंबर पर गिरी। यही सोचकर वे मंगलवार को काउंसिलिंग के लिए पहुंची थीं। मामले में एग्जाम प्रभारी प्रोफेसर एन शर्मा का कहना है कि ऑनलाइन सिस्टम में आवेदनों की जांच पड़ताल नहीं हो पाती है, काउंसिलिंग के दौरान ही दस्तावेज चेक होते हैं। इस वजह से दो छात्राओं के फॉर्म निरस्त नहीं हो पाए। विवी ने छात्राओं पर ही मढ़ दिया दोष। फॉर्म जमा करने में दोनों छात्राओं के 1,800 रुपए खर्च हुए हैं, लेकिन गलती करने के बाद भी विवी प्रबंधन फीस वापस करने तैयार नहीं है। यहां तक कि विवी छात्राओं को दोषी करार दे रहा है। BA, LLB, बी फार्मा की सीटें फुल सागर। काउंसिलिंग के पहले दिन मंगलवार को विवी में BA, LLB ऑनर्स, बी फार्मा, BA बीएड और मैथ्स ग्रुप की सभी सीटें फुल होगी। बी लिव साइंस की 30 सीटों में से 25 पर विद्यार्थियों ने दाखिला लिया। BCom की 153 भर गई। अनारक्षित वर्ग की सभी 130 सीटों पर भी प्रवेश हुए। कॉलेजों में जारी हुई UG की पहली कट ऑफ, उच्च शिक्षा विभाग ने भी स्नातक प्रथम कक्षाओं में प्रवेश के लिए पहली कट ऑफ जारी कर दी है। आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में BA, BSc और BCom की 70% सीटों पर प्रवेश के लिए विद्यार्थियों के नाम घोषित किए गए। आर्ट्स की 907, साइंस की 870 और कॉमर्स की 382 सीटों पर प्रवेश के लिए मंगलवार की शाम तक कुल 80 विद्यार्थियों ने फीस भरी। वहीं PG कक्षाओं की 434 सीटों के लिए मंगलवार तक कुल 177 विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है। वहीं गर्ल्स डिग्री कॉलेज में मंगलवार को रात 8 बजे तक UG की 3,354 सीटों में से 96 सीटों पर ही छात्राओं ने प्रवेश लिया। PG की 1,264 सीटों में से अब तक 373 सीटों पर प्रवेश हुआ है।